लड़कियां 5 मिनट बोलती हैं तैयार होने के लिए, लेकिन घंटों लगा देती हैं। वैसे ही लड़के बिस्तर से उठते नहीं कि बोलते हैं 5 मिनट पहुंच गया भाई। ऐसा ही कुछ हाल नोकिया का भी है। कंपनी हमेशा कहती है कि हम नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, पर जब तक वो उस टेक्नोलॉजी को मार्केट में लेकर आते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। डुअल सिम में पीछे, एंड्रॉयड में पीछे और नॉच में भी पीछे। इनफैक्ट कंपनी अब ट्रिपल रियर कैमरा वाला स्मार्टफोन भी लेकर आ चुकी है, लेकिन भैया आप यहाँ पर भी पीछे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केशव खेरा और आज मैं आपको दिखाता हूँ नोकिया 7.2। इस वीडियो में हम इस फोन के बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे। अब सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोन की लुक्स अच्छी होती है तो ही आप उस फोन के बारे में और जानकारी रखने की चाह रखते हैं। तो आपको बता दूं कि फ़ोन देखने में काफ़ी शानदार लगता है। बैक पैनल पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। टाइप सी पोर्ट है, 3.5 ऑडियो जैक भी दिया गया है। फ़ोन लाइट वेट है और आपको इससे अच्छी ग्रिप भी मिल जाती है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो बैक पैनल है वो मैट फिनिश के साथ आता है, जिस वजह से ये प्रीमियम क्वालिटी का स्मार्टफोन लगता है। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि जो फ्रेम है वो पॉलीकार्बोनेट का है और कुछ नयापन नहीं है। ऐसा डिज़ाइन हम ऑलरेडी मोटो के स्मार्टफोन्स में देख चुके हैं। तो लुक्स अच्छी है लेकिन नयापन कंपनी लेकर नहीं आ सकी। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, नोकिया 7.2 में दिया है 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले, पर वाटर ड्रॉप शेप नॉच मिलता है और इसमें आपको HDR10 का सपोर्ट भी मिल जाता है। साथ साथ आपको बता दूं कि इसके फ्रंट पर भी गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। इसका डिस्प्ले शार्प है, वाइब्रेंट है और ब्राइट है और आप इसमें अपने वीडियोज को अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन हाँ, आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी पसंद नहीं आएगी, जो कि मुझे भी कुछ खास नहीं लगी। नोकिया 7.2 ट्रिपल रियर कैमरा के साथ पेश किया गया है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इसमें आपको बहुत ही अच्छी कैमरा क्वालिटी मिल जाए, पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके रिजल्ट्स मुझे कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगे। मैंने इसे रियलमी 5 प्रो से कंपेयर किया तो देखा कि रियलमी 5 प्रो इससे आगे निकलता है। नोकिया 7.2 में आपको मिलता है 48+8+5 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप, जिसमें आपको EIS टेक्नोलॉजी मिलती है और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया है। साथ साथ इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जिसमें आपको स्क्रीन फ्लैश दी गई है। तो चलिए अब रियलमी 5 प्रो और इसके कुछ कैमरा कंपेरिजन वाले सैम्पल्स देख लेते हैं। प्रोसेसिंग पर अगर गौर करेंगे तो नोकिया 7.2 में आपको मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है। आप इसमें पबजी गेम HD ग्राफिक पर आसानी से चला सकते हैं, कोई मेजर लैग भी आपको देखने को नहीं मिलता। साथ साथ इसमें कोई हीटिंग इशू भी नहीं है, गेमिंग आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके साथ इसमें आपको 4GB और 6GB रैम वेरियंट मिल जाते हैं, जिनमें आपको 64GB की स्टोरेज मिलती है और इस वजह से ये डे टू डे लाइफ में भी एकदम स्मूथ परफॉर्म करता है, आपको कोई परेशानी नहीं होती। पर जब आप देखेंगे कि लगभग 20,000 में कंपनी आपको ये प्रोसेसर मुहैया करवा रही है, तो आप इससे थोड़ा सा निराश ज़रूर होंगे, क्योंकि आज इस प्राइस रेंज में आपको दमदार प्रोसेसर वाले फ़ोन्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पोको F1 की कीमत आज लगभग 16,000 रुपये हो चुकी है और उसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट मिलता है। ऐसे में आप 20,000 के प्राइस रेंज में नोकिया 7.2 को क्यों खरीदना चाहेंगे? यही नहीं, बैटरी की अगर बात करें तो नोकिया 7.2 में आपको मिलती है 3500 mAh की बैटरी, जो कि हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में लगभग 10 घंटा सर्वाइव कर पाई। बहुत ही कम सर्वाइवल टाइम है, बैटरी थोड़ी सी निराश कर सकती है आपको। हालांकि अगर आप इसको 0-100 चार्ज करेंगे तो ये सिर्फ 2 घंटा ही लेता है। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नोकिया 7.2 में मिलता है एंड्रॉयड पाई, जिस पर एंड्रॉयड 1 की इंटीग्रेशन दी गई है।
देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से स्टॉक एंड्रॉयड है, उसमें कोई भी ब्लोटवेयर्स आपको नहीं मिलते। सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज है और एकदम स्मूथ चलता है। वहीं सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको फेस अनलॉक मोड मिलता है, जो कि थोड़ा सा स्लो लगा हमें, और कम रोशनी होने पर ये अच्छे से काम नहीं करता। इनफैक्ट अगर आपकी आंखें बंद है तो ये आपके चेहरे को डिटेक्ट कर देता है और फ़ोन अनलॉक हो जाता है। साथ साथ सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि बैक पैनल पर दिया गया है, और वो भी हमें थोड़ा स्लो ही लगा। एक्स्ट्रास की बात की जाए तो इसमें मिलता है डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट, एक्सलोरोमीटर, जायरोस्कोप सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपस, और इसमें आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग ऑप्शन और FM रेडियो मिल जाता है। यही नहीं, इसमें वाइड बैंड सिक्योरिटी लेवल L1 भी दिया गया है। बस कमी है तो वो है कॉल रिकॉर्डिंग की। इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। अब अंत में बात आती है वर्डिक्ट की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर नोकिया 7.2 की कीमत 12 से 15,000 के बीच होती तो मैं इसे एक बेहतरीन फ़ोन कह सकता था, पर क्योंकि कंपनी ने इसे लगभग 20,000 के प्राइस में लॉन्च किया है तो यहाँ पर ये फ़ोन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है और कहीं बड़े डिवाइसेस से मात भी खाता है। 15 से 20,000 का जो सेगमेंट है आज इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उसमें आपको रियलमी XT, वीवो Z1X और शाओमी के पोको F1 जैसे तगड़े स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। ऐसे में नोकिया 7.2 वहाँ पर कैसे टिक पाएगा। पर एनीवे, ये तो थी मेरी राय इस फोन को लेकर। आपके सोचते हैं प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, और हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमसे चैट करने के लिए ये रही IDs, और मेरी पर्सनल IDs तो आपको पता है कहाँ मिलती हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।